बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदा ना चीज़ असगर सुल्तान माई चैनल इतमाद मैथमेटिक एक्सपर्ट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। बच्चों हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 6.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है और उसका हमने जोज नंबर 1 कर लिया, अब करेंगे जोज नंबर 2। बच्चों ये एक्सरसाइज कौन सी है 6.3, तो इसके ये पूरी एक्सरसाइज किसके ऊपर डिपेंड करती है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर। तो दूसरा फंक्शन अपनी तरफ से क्या ले लेंगे? 1। तो इसके ऊपर कौन सा रूल लगा देंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बच्चों ये आई इसी तरह पहला फंक्शन वैसे, बच्चों पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन इनटू पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन क्या बच्चों हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 1/2। बच्चों कौन सा रूल लगा दिया? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहला फंक्शन वैसे दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन इनटू पहले का डेरिवेटिव। बच्चों ये आई इसी तरह ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसी तरह। 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? 1x माइनस 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी बच्चों? एक्स। पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में पावर में से एक कम, बच्चों पावर में से एक कम करेंगे तो ये माइनस का 1/2। फिर बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर पावर रूल लगा दिया, पावर शुरू में पावर में से एक कम करेंगे तो ये माइनस का 1/2, बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ जाएगा। ए स्क्वेयर का 0x स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x। बच्चों ये 2 इस 2 के साथ है कैंसल। आई इसी तरह इस एक्स को शुरू में लिख लेंगे और एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एक्स को जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। बच्चों हमने नीचे वाले फंक्शन की ऊपर बेस बनानी होती है। बच्चों नीचे वाले फंक्शन की ऊपर क्या बनानी है? बेस। ऊपर किस चीज की कमी है? माइनस ए स्क्वेयर की कमी है, तो माइनस ए स्क्वेयर के साथ प्लस भी कर देंगे और ए स्क्वेयर के साथ प्लस भी करेंगे और ए स्क्वेयर के साथ माइनस भी कर देंगे। बच्चों ये आई इसी तरह एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस इंटीग्रेशन इसी तरह हम क्या करेंगे? एक्स माइनस ए स्क्वेयर के साथ माइनस भी कर देंगे और ए स्क्वेयर के साथ प्लस भी कर देंगे। तो नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो बच्चों ये आई इसी तरह एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। बच्चों क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर के साथ। बच्चों ये माइनस प्लस माइनस एंटीग्रेशन ए स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो बच्चों इसकी पावर क्या है? 1। इसकी पावर क्या? हाफ। तो क्या बच जाएगी? हाफ पावर बच जाएगी। एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस इंटीग्रेशन, तो हाफ पावर आ जाएगी बच्चों एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। बच्चों ए स्क्वेयर कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देंगे तो ये 1 ओवर एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। बच्चों ए स्क्वेयर कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देंगे। और बच्चों ये वैल्यू देखो, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर किसके बराबर? आई के बराबर। तो इस यहाँ पर क्या पुट कर देंगे? आई। बच्चों ये आई इसी तरह एक्स आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? आई माइनस ए स्क्वेयर 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू डी एक्स। बच्चों ये माइनस का आई है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा? प्लस का आई। बच्चों इस तरफ आगे क्या हो जाएगा? प्लस का आई हो जाएगा। तो एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एंटीग्रेशन 1 ओवर
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू, और ये 1i प्लस 1i कितना हो जाएगा 2i, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बच्चों इसको किसके बराबर लेट कर लेंगे, वन, इक्वेशन वन के बराबर कर लेंगे। अब इस फंक्शन की हमने क्या फाइंड करनी है, इंटीग्रेशन मालूम करनी है। अगर हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर आ जाए, बच्चों इस फंक्शन की हमने क्या फाइंड करनी है, इंटीग्रेशन वन ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू डी एक्स। और ये माइनस का आई था, इस तरफ आ गया प्लस का आई हो गया। अब इसकी क्या फाइंड करनी है इंटीग्रेशन, अगर बच्चों हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर नजर आ जाए तो क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए सी कैन थीटा। अब यहां से सीकेंट थीटे की वैल्यू भी निकालेंगे और थीटे की वैल्यू भी निकालेंगे, ए मल्टीप्लाई इस तरफ आगे, ए क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड हो जाएगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी सीकेंट थीटे की। अब सीकेंट को इस तरफ ले जाएंगे तो सीकेंट इस तरफ आगे क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, सीकेंट इस तरफ आगे बच्चों क्या हो जाएगा इनवर्स, ये किसकी आ जाएगी थीटे की वैल्यू और सीकेंट थीटे की वैल्यू। अब इसका डेरिवेटिव भी लेना है बच्चों, कौन सा रूल लगा रहे हैं हम, बाय सब्स्टिट्यूशन रूल, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा डी एक्स ओवर डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेंगे, डेरिवेटिव सीकेंट थीटे का, ए इसी तरह सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा, और डी डी थीटा इस तरफ क्या हो रहा है डिवाइड, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरफ डी थीटा डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, रिप्लेसमेंट करनी होती है फंक्शन की, इंटीग्रेशन इसी तरह डी एक्स की वैल्यू, ए डी एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास ए सी कैन थीटा इंटू टैन थीटा ओवर, बच्चों एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास ए सी कैन थीटा, ए का स्केयर आ गया और सी कैन स्केयर थीटा माइनस ए स्केयर, ऊपर क्या आ जाएगा जजर, ऊपर बच्चों क्या आ जाएगा जजर, इंटीग्रेशन इसी तरह ए सी कैन थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा ओवर। अब यहां से कॉमन क्या ले लेंगे, ए स्केयर कॉमन ले लेंगे, ऊपर अंडर रूट भी आ जाएगा, जजर सी कैन स्केयर थीटा माइनस वन, मरबा जजर कैंसिल, ए ए के साथ कैंसिल, बच्चों एंटीग्रेशन सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा, सीकेंट स्केयर माइनस वन किसके बराबर है टेन स्केयर के बराबर है, मरबा जजर कैंसिल, टेन टेन के साथ कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा सीकेंट थीटा इंटू डी थीटा। अब सीकेंट की एंटीग्रेशन क्या हमारे पास, नेचुरल लॉग सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, बच्चों अब क्वेश्चन उसने किसके अंदर दिया था एक्स के अंदर, हमने जवाब भी एक्स के अंदर देना है, अब क्या करेंगे इसकी वैल्यू एक्स के अंदर बना लेंगे, जबकि हमारे पास सीकेंट की वैल्यू है एक्स के अंदर, अब किसकी बनानी है टैन की, बच्चों फार्मूला लगा देंगे टैन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस वन, ये टैन स्क्वेयर इसी तरह सीकेंट थीटे की वैल्यू एक्स ओवर ए, एक्स ओवर ए ऊपर होल का स्केयर माइनस वन, तो बच्चों एक्स का स्केयर अलहदा ए का स्केयर अलहदा माइनस वन। अब इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या बनेगा ए स्केयर, ए स्केयर ए स्केयर के साथ कैंसिल, एक्स स्केयर ए स्केयर वन के साथ मल्टीप्लाई, तो हमें चाहिए सिर्फ टेन थीटे की वैल्यू, स्केयर के अंदर नहीं चाहिए, क्या करेंगे दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, इस तरफ भी अंडर रूट ले लेंगे इस तरफ भी और इस तरफ, मरबा जजर कैंसिल, क्या आ जाएगा टैन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर मरबा जजर कैंसिल ए, किसकी वैल्यू आ गई ये टैन थीटे की, अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे नेचुरल लॉग सीकेंट थीटा किसके बराबर एक्स ओवर ए के प्लस टैन थीटे की वैल्यू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर ए प्लस सी, बच्चों ये नेचुरल लॉग इसका एलसीएम लेंगे तो ए आ जाएगा, ए ए के साथ कैंसिल एक्स, ए ए के साथ कैंसिल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, तो बच्चों ये वैल्यू किसकी आ गई इस फंक्शन की,
वन ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर की इंटीग्रेशन क्या हमारे पास, नेचुरल लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का अंडर रूट ओवर ए। अब क्या करेंगे, इक्वेशन वन के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन वन के अंदर, तो बच्चों ये यहां पर टू आई इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटीग्रेशन वन ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर की इंटीग्रेशन इनटू डी एक्स। और यहां पर टू क्या है बच्चों, इक्वेशन वन के अंदर बच्चों ये इक्वेशन वन है, टू इधर मल्टीप्लाई इस तरफ आ गया, टू क्या हो जाएगा डिवाइड एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब क्या करेंगे, इस फंक्शन इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट कर देंगे। कौन सी निकाली है बच्चों, ये वाली वैल्यू है जो उनसे हमने निकाली, यहाँ पर पुट कर देंगे नेचुरल लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर ए प्लस सी। बच्चों अगर दो फंक्शन क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई, तो कौन सा रूल लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहला फंक्शन वैसे दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन। बच्चों हमारे पास जब हमने इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू बनी है, लेकिन इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं थी, तो हम इसके ऊपर कौन सा रूल लगा दिया, बाय सब्सटीट्यूशन रूल। बाय सब्सटीट्यूशन रूल लगा कर इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।